मार्क्स तो वैसे मुझे पता है टोटल, बट सब्जेक्ट वाइज आज पता चलेंगे आप। गोइंग टू हंट फॉर हाउस ये हमारे कार्ड। Yesterday we received the first sample. NEFT का काम बहुत हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बैलेंस बेबी बैलेंस। यू एग्जैक्टली नो व्हाई आई पुट दिस वीडियो राइट नाउ एंड इफ यू डोंट प्लीज गो फॉलो एकामी बाय मिताली। वी रिसीव द फर्स्ट सैंपल ऑफ आवर प्लानर। सो एकामी इज माई ब्रांड एंड द प्लानर इज गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट सॉर्ट ऑफ। एंड इस दिन मुझे मिले थे अप्रॉक्सीमेटली 4 सैम्पल्स ऑफ माई प्लानर एंड ट्रस्ट मी आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड लुकिंग एट सम ऑफ दैम, बट सम ऑफ दैम मेड मी हैप्पी एंड आई फाइनली फाइनलाइज 2 प्रिंटर्स जिनके साथ मुझे काम करना था। गाइज तो ये है हमारे कार्ड्स, बहुत सारे हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये मुझे लगा था कि थोड़े से ही होंगे, आ जाएंगे इजीली, बट नो। ये देखो गाइस, ये हमारे कार्ड्स हैं। दिस वी विल सेंड यू अक्रॉस, जब आप हमसे ऑर्डर करोगे वी विल गिव दिस टू यू एज अ थैंक यू कार्ड फॉर अस। Honestly, पिछले close to 2 महीने have been so hectic for me. I'll definitely make a video of everything that went behind making the brand. But trust me, सब कुछ बहुत hectic था and जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं और भी hectic होते जा रहा है because I have to manage my studies. Currently, I'm posted in medicine along with the brand. And by the way, we are launching in the first week of October. So please keep an eye on the launch. Guys, good morning. आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है फॉर द बिजनेस। आज हम बहुत कुछ फिगर आउट करने वाले हैं। आज हम बैठ के प्राइसिंग फिगर आउट कर रहे हैं। आज हमने हमारा प्रिंटर फाइनलाइज कर देना है। आज हमारे पास पैकेजिंग ऑलरेडी आ चुकी है प्रोडक्ट्स की, तो हमें वो पैकेजिंग बैठ के सब चेक करना है, सब कुछ सही है या नहीं। समीक्षा विल बी ज्वाइनिंग अस, शी इज वर्किंग विथ मी इन माई टीम, एंड मेरी कजिन भी आ रही है, तो हम तीनों बैठ के साथ में पहले पैकेजिंग चेक करेंगे, फिर हम प्रिंटर्स से मिलने जाएंगे। तो यस, इट्स गोइंग टू बी अ फ्रूटफुल डे, लेट्स गो। दिस ईयर आई हैव केप्ट द थीम ऑफ द प्रोडक्ट्स टू बी बैलेंस बेबी बैलेंस बिकॉज आई थिंक दिस थीम रेजोनेट्स सो मच विद मी एंड माई एंटायर कम्युनिटी। वी ऑल आर हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल्स वर्किंग टूवर्ड्स आर गोल्स इन आर अकेडमिक्स और मे बी इन समथिंग एल्स दैट वी रियली वॉन्ट टू परस्यू, एंड आई सो लव द थीम। ऑलराइट, सो बिफोर आई हेड आउट टू फाइनलाइज माई प्रिंटर्स, आईव गॉट टू टेल यू समथिंग that's been totally transforming my skincare routine. With all the late nights and busy days, keeping my skin looking fresh can be a challenge, but I have got Himalaya Brightening Vitamin C Orange Face Serum. This stuff is seriously amazing. It's got 10x niacinamide, 5x vitamin C, and the power of orange. Basically, it's a mix of nature and science that helps brighten up your skin and tackle dullness. I just use 2-3 drops in the morning and evening. It's super lightweight, absorbs really fast and fits perfectly in my busy routine, plus leaves the skin refreshed. Check it out, the difference is amazing. My skin is looking so much more brighter and even. If you want to try it out for yourself, you can find it on Amazon, Nykaa, Flipkart and Himalaya's own website. So do check out the links in the description, I've mentioned it all, and do not miss out on this amazing product. गाइज, अब हम जा रहे हैं दूसरे प्रिंटर से मिलने, लेट्स गो। हाय यू गाइस, आज हमने ये लगाया है, हंस क्यों रही हो? और अब हम जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हम जा रहे हैं, ओके बाय, सी यू देयर। यू लुक लाइक अ मूवी कैरेक्टर। हाँ, मैं नाम भूल रही हूँ उसका। हाँ, यू कैन हैव नाउ। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट, व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट। The next day. कर रहे NEFT का काम बहुत बोरिंग। हम पहली बार, एक तो NEFT शायद खुद से कर रहे हैं।
इससे पहले डैडीज प्रिंसेस को सब कुछ मिल जाता था यूपीआई पे हेल्प कर देते हाँ भाई, पर इतना अमाउंट यूपीआई भी नहीं होगा बट हाय गाइस, सो टुडे वाज अ लॉन्ग डे. हमने देखा जाए तो ज्यादा कुछ नहीं किया बट ब्रांड पर्सपेक्टिव से काफी कुछ एनालाइज किया आज. तो जैसे कि आई शोड यू यस्टरडे, हम लोग दो प्रिंटर्स से मिलने गए थे. तो ऑनेस्टली पहले मैं एक के लिए एकदम श्योर थी एंड आई वाज लाइक मैं इन्हीं को ऑर्डर दे दूंगी. बट देन हम दूसरे प्रिंटर से भी मिले. मतलब मैंने इन ऑल 4-5 फाइनलाइज किए थे जिसमें से मुझे एक कप सैम्पल सबसे ज़्यादा पसंद आया था. तो आई वॉज लाइक मैं इन्हीं को ऑर्डर दे रही हूँ. बट देन हम दूसरे वाले से भी मिलके आए, उनका सैम्पल दो मुझे नहीं इतना ज़्यादा पसंद आया था बट उनकी कॉस्टिंग कंसिडरेबली लो थी. फिर आज सुबह उठ के हमें फाइनली डिसाइड करना था और आज एडवांस पेमेंट कर देना था बाय यू नो ऑल मीन्स, क्योंकि अगर हम आज नहीं करते तो फिर काम डिले होता. मैंने फाइनली जो फर्स्ट वाले थे जो थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं बट उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आई एम वेरी श्योर अबाउट हिम, मैंने उनको फाइनलाइज किया. देन सेकेंडली मैंने आज बैठ के कॉन्ट्रैक्ट बनाया क्योंकि एज यू नो पिछले साल मेरे साथ बहुत यू नो ट्रॉमा हुआ था जब वो प्रिंटर ने मुझे इतना सारा डिफेक्टेड माल दे दिया था और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी बिकॉज वो मुकर गए थे कि इतना तो होता ही है तो अब हम आपको ना तो रिफंड देंगे ना हम आपको रिप्लेस करके देंगे. एंड क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि ये बहुत ही बड़ा अमाउंट ऑफ मनी है जिसको मैं इन्वेस्ट करने जा रही हूँ इन द बिजनेस, तो देन आई हैड टू टॉक टू माई डैड. अभी तक मैंने सब कुछ मम्मी को तो बता रखा था इन डिटेल बट पापा को मैंने कुछ भी नहीं बताया था दैट आई एम अप टू ऑल ऑफ दिस. उनको जो भी थोड़ा बहुत पता था दैट वॉज थ्रू मम्मा. आज मैंने उनको कॉल किया और मैंने सीधे बोला पापा इतने अमाउंट का बिल है और मुझे पे करना है. न्यूज़ है क्या बिजनेस ही करने जा रही हो क्या? तो बट ही वॉज सो सपोर्टिव, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है. देन ही यू नो आस्क्ड मी अ फ्यू क्वेश्चंस और उन्होंने कहा कुछ हेल्प चाहिए तो बताओ एंड ऑल दैट. एंड ही वॉज लाइक चल ठीक है, तेको आता तो है ही, तू कर ले सपोर्ट. एंड आई वॉज सो हैप्पी भाई. मतलब एज अ ब्रांड हमने आज बहुत कुछ किया है. So I finally made the first big payment of the brand today. I was so happy at the same time very very nervous but I was happy कि अब मैंने finally पापा को बता दिया है. So everything is under control. इसके बाद I did a little bit more of work and then I went off to sleep. 24 hours later. Hello. तो आज थोड़ी की मार्कशीट आ चुकी है तो मैं वो लेने जा रही हूँ. मेरे को मेरा आईडी कार्ड नहीं मिल रहा था तो अभी पहले मैंने आईडी कार्ड ढूंढा है बहुत मुश्किल से क्योंकि एग्जाम टाइम के बाद आईडी कार्ड निकाला ही नहीं बाहर. अभी फाइनली मिल गया है तो मैं जल्दी से जा रही हूँ मार्कशीट लेने. मार्क्स तो वैसे मुझे पता है टोटल बट सब्जेक्ट वाइज आज पता चलेंगे. तो अब फाइनली बारी है टू टेल यू हाउ मेनी मार्क्स आई स्कोर्ड इन व्हाट सब्जेक्ट. आज मैं पापा से बात कर रही थी और आज ही मैंने मार्कशीट भेजी एंड आई थिंक कि वो लोग भूल चुके थे कि मेरे कितने मार्क्स आए. तो मैंने उनको मार्कशीट भेजी एंड पापा को कांग्रेचुलेशन लिखते हैं और उनको लग रहा था कि शायद अभी रिजल्ट आया है. एंड ही वाज लाइक कि भाई तुम तो इतने अच्छे नंबर ला लियो इतना सब कुछ करने के बाद भी, तुम तो भाई अलग हो. मैंने कहा मतलब यू नो टू लिसन टू ऑल ऑफ दिस फ्रॉम योर ओन पेरेंट्स इज गुड. हमारे में क्या होता है ना कि 100 मार्क्स का थ्योरी होता है और 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है. सो ऑल इन ऑल 200 में से मार्क्स आते हैं. तो फोरेंसिक में मुझे मिले हैं 131 आउट ऑफ 200. ऑफ थैल्मोलॉजी में मुझे मिले हैं 150. ये मेरा हाईएस्ट स्कोर है एंड मैं बता रही हूँ परसेंटेज वाइज दिस इज एग्जैक्ट 75%. बट फिर भी उन्होंने मुझे डिस्टिंक्शन नहीं दिया, आई डोंट नो व्हाई. बट द पॉइंट इज कि मुझे ऐसे लगता था कि मुझे जो सबसे कम सब्जेक्ट आता है ना वो ऑप्थेल्मोलॉजी है और उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं. Then 124 I got in ENT and community medicine का total 300 में से होता है क्योंकि उसके दो theory exams होते हैं और एक practical होता है. So total 300 में से I got 215 and this sums up to 620 mark and that is my third year wrapped up. The next day I just want to tell you that through this whole process of 2 months I was also contemplating कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए and छोड़ देना चाहिए because initially तो मैं April में start करना चाहती थी but I didn't because I thought that along with final year नहीं हो पाएगा मुझसे. But I'm so glad that I did not leave it and I did it because I think it makes my heart happy. Whatever makes you happy, you should do it no matter how much effort it takes. And the sheer pleasure I get when I go to sleep and I see that I got my brand work done and I also studied for the day
आई एम सो सो हैप्पी लुकिंग एट दैट. बाय द वे आई एम स्टडिंग मेडिसिन दीज डेज एज ऑल ऑफ यू नो, और सब लोग मुझसे पूछते रहते हैं दैट यू आर नेवर स्टडिंग फ्रॉम योर बुक्स. तो गाइज मैंने आज हैरिसन निकाल लिया है इन द वीडियो, प्लीज़ मुझे वो कॉमेंट मत करना. बट ऑन अनदर नोट, आई नो दैट दिस एग्जैक्टली माइट नॉट बी द ड्रीम ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल वॉचिंग मी, बट वॉट एवर योर ड्रीम इज, ट्रस्ट मी, इफ यू कैन पुट अ लिटिल मोर एफर्ट इट इज अचीवेबल, बिकॉज वॉट एवर वी वॉन्ट इज डेफिनेटली आउट ऑफ आर कम्फर्ट जोन. बट इफ वी आर रेडी टू स्टेप आउट ऑफ आर कम्फर्ट जोन, कायनात स्टार्ट्स कंस्पायरिंग टू मेक यू मीट योर गोल. बिजनेस ओनर गोइंग टू हंट फॉर हाउस. हेलो. अच्छा इसमें पेज, मैं एक्चुअली साइज पहले तो मैं फोकस कर रहा था उस पे टाइलाइन पे. हाँ हाँ. Now I am checking the size of the page जो डिजाइन किया है. ट्रस्ट मी, इन दो महीने में देर वर इन्यूमरेबल प्रॉब्लम्स दैट केम इन टू आर वे, बट हमने कुछ भी करके सबका सोल्यूशन निकाला है. सो आई एम श्योर जो अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही है उन सबका सोल्यूशन निकल आएगा. वी आर वेरी होपफुल एंड वी आर नॉट गिविंग अप, एंड दैट्स द मैसेज दैट आई वॉन्ट टू गिव यू फ्रॉम दिस वीडियो, दैट प्लीज़ डोंट गिव अप, प्लीज़ गो ऑन एंड वर्क ऑन योर गोल्स. बट द एंटायर पॉइंट ऑफ मेकिंग माई ब्रांड इज दैट लेट्स हसल बट होलिस्टिकली, लेट्स वर्क ऑन आर गोल्स बट ऑल्सो नॉट फर्गेट आर ओन हेल्थ, बोथ मेंटल फिजिकल, एंड वर्क ऑन आर सेल्फ विद ईच पासिंग डे. वी हैव दीज एंड जेस्चर्स हैं. ओके ओके ओके. ओह नाइस. बहुत क्योस हो चुका है स्टिकर्स का. अब मैं फाइनली जा रही हूँ एक सैम्पल निकलवाने जो उन्होंने मुझे भेजा है टू चेक द साइज़ कि वो इतना बड़ा है इतना छोटा ही स्टिकर निकलेगा. तो आप एक बार देख लो. तो मैं अभी वो चेक कर रही हूँ, कॉलेज की प्रिंटिंग शॉप से निकलवाती हूँ. And those were a few chaotic but productive days in my life. I hope you enjoyed this vlog as much as you are enjoying my other vlogs. Please let me know if you have any feedback in the comments, and I'm going to see you next Sunday 11 a.m. Okay, bye.